अच्छा दीदी, अब हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि इस बातचीत में कुछ संगीत का रस भी आए, तो आप हमें क्या सुना रही हैं? मैं अब चूंकि कुमार जी की बात हो रही है और अभी भाद्रपद मास जस्ट अभी गया गया है, जाना जाने वाला है, तो मैं एक मिया मल्हार में आपको एक छोटी सी बंदिश सुनाऊं। जी बिल्कुल। मियां मल्हार की बंदिश आपको सुनाती हूँ, कुमार जी द्वारा बनाई हुई है। सावन झरियो झरी आयोरी, इतते चहु दिसते बादरी गरज बरस आयोरी, सावन झरियो झरी आयोरी, सावन झरियो झरे आयोरी, इतते उतते चहु दिसते सावन झरियो झरे आयोरी, इतते उतते चहु दिसते बादरे गरज बरसायो रे, सावन झरियो झरे आयोरी। ये हो गई स्थाई। बांधियो, अब हम अंदरा पे आते हैं। बांधियो आंबा पे झूला री बांधियो आंबा पे झूला री, आवा सहेला मिला गावो रे, सावन झरियो झरे आयो रे, सावन झरियो झरे आयो रे, सावन सावन झरियो झरे आयो रे। तो मियाँ मल्हार राग, मियाँ मल्हार सुनने के बाद बातचीत के दूसरे हिस्से में चलते हैं। और मैं कुछ चीजें और जानना चाहूंगा दीदी। एक तो कुमार जी कहते थे कि मैं घरानों की कुलीगिरी नहीं करता, तो ये क्या इनकलकेट आप लोगों में भी हुआ बचपन से? जब मतलब जब सीखना शुरू किया गंभीरता से, तो क्या आपने भी एक स्वतंत्र कलाकार कहें या ये कह लें कि ये घरानों के चक्कर से बाहर निकलकर सीखने की आदत पड़ी, वही आदत अभी भी जारी है, या है कुछ घराने का कुछ अंश, कुछ कैसे देखती हैं आप इस पूरे उसको? देखिए, क्रांतिकारी विचारक के रूप में जब हम कुमार जी को देखते हैं कलाकार के रूप में, तो उनकी पायदान से अपने आप को जरा भी साथ लाना उचित नहीं। पहली बात तो उनके विचार
100% मैं उसको मानती हूँ। जो उनका कहना था, संगीत के प्रति उनका जो कहना था कि मैं घरानों की कुलगिरी नहीं करता, बिल्कुल सही, लेकिन वो कुमार जी कह रहे थे, है ना। तो ये बात यहाँ समझने वाली है, और ये बात भी समझने वाली है कि ये कब उन्होंने कहा, जब उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा ग्वालियर घराने के ध्वज तले पूरी हो चुकी थी, है ना। मेरी माता जी वसुंधरा जी की भी शिक्षा दीक्षा ग्वालियर घराने के ध्वज तले। क्यों कह रही हूँ ग्वालियर घराने के ध्वज तले, क्योंकि इन दोनों के जो मूल गुरु थे, मतलब प्रोफेसर बी आर देवधर बम्बई में जो रहते थे, वो पंडित विष्णु दिगंबर जी के 11 पहले शिष्यों में उनका स्थान था। अब विष्णु दिगंबर जी की संगीत परंपरा को हम देखेंगे तो उनके गुरु, मतलब कुमार जी के परात्पर गुरु विष्णु दिगंबर जी, और विष्णु दिगंबर जी के गुरु जी बालकृष्ण बुआ इचलकरण जी का। तो ये पूरा जो एक लीनियज है, जो एक एक पूरी माल श्रेणी है, माला श्रेणी आती है, जो वृक्ष है, ये वंश वृक्ष कह लीजिए, वो ग्वालियर घराने से कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये बहुत उत्तम बात ये रही कि देवधर गुरु जी के विचारों के खुलेपन की वजह से जहां कुमार जी रहते थे बंबई में, वहां अलग अलग घरानों के बड़े बड़े कलाकार आकर अपनी संगीत की बंदिशें, रागों की चर्चाएं देवधर गुरु जी से करते थे, कुमार जी से करते थे। तो ये उनको अलग अलग घरानों की दृष्टि समझने का एक बहुत सुंदर अवसर उनको बंबई में मिलता चला गया, जिसका परिपाक ये निकला कि वो इस मुकाम पर पहुंचे कि मुझे एक घराने से जुड़ के नहीं रहना है, क्योंकि उनको बहुत से घरानों की सुंदर चीजें दिख रही थी, समझ में आ रही थी कि भाई अरे इसमें ये बहुत अच्छी बंदिश है, ये बहुत सुंदर राग इस घराने में गाया जा रहा है, फलाना घराने के लोग इस राग को उतना ज्यादा हैंडल नहीं करते, उतना ज्यादा नहीं गाते, इस घराने में ये राग को बहुत अच्छे से ले रहे हैं, इस घराने में ये बंदिश अलग अलग मूड की बंदिश है, अलग अलग बल पेज की बंदिश है, जो अलग अलग बल पेज अलग अलग घरानों में। तो ये सारी चीजें जो जिनको हम कहेंगे कि टेक्निकल चीजें तो संगीत के रागों से जुड़ी हुई है, ये उनको वहां बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, और इसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि अरे यदि मैं केवल एक घरानों से यदि बंद के रह गया तो ये बाकी का जो सौंदर्य जो मुझे समझ में आ रहा है इसको कहां ले जाऊंगा। तो इन सब का एक विचार मंथन होने के बाद में एक कुमार शैली बनी। स्वाभाविक है कि हम उस शैली में पले बढ़े हैं, हमें जो सीखने को मिला वो उस शैली के माध्यम से ही हमने सीखा है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि कुमार जी और वसुंधरा जी ने हमको केवल उस शैली से जुड़ी बंदिशें नहीं सिखाई, हमको मूल ग्वालियर घराने की बंदिशें कैसी गाई जाती है, मूल उस घराने में राग कैसे गाया जाता है, कैसे गाया जाना चाहिए, इस बारे में सिखाने का पूरा प्रयास उन्होंने किया। ये बात अलग है कि हम उसमें से कितना ले पाए, ये हमारी अपनी बात है। कुमार जी हमेशा कहते थे कि भाई हाथी जो रहता है वो बहुत बड़ा हाथी है, ये आप उसको किस तरफ से देख रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, हर तरफ से वो एक जैसा नहीं दिखता। तो ये बहुत संगीत एक बहुत बड़ा विचार है, हम उसको किस तरफ से देख रहे हैं, हम उसको किस शैली की तरफ से निहारना पसंद करेंगे, तो ये सारी बातें। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि हमने निश्चित रूप से पुराने समय की जो अलग अलग घरानों की बंदिशें हमको सिखाई गई उनको आत्मसात करने का प्रयास मैंने किया है और मैं करती रहूंगी। लेकिन स्वाभाविक है चूंकि कुमार जी की शैली में सीखना ज्यादा हुआ, मैं उसकी अनुगामी ज्यादा। मैं यहाँ पे दो चीजें अपने रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को बता दूं, एक तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के की जो घराना परंपरा है उसमें ग्वालियर घराना सबसे प्रतिष्ठित घरानों में से एक है, और दूसरी चीज ये कि कुमार जी की बात जो अभी कलापिनी दीदी ने बताई कि हाथी को, वो राग के लिए भी यही कहते थे कि एक वो राग को चारों तरफ से देखते थे। उनके बारे में ऐसे भी तमाम किस्से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, खोज सकते हैं अगर आप खोजना चाहें तो। लेकिन ये मैंने सुना है कि वो राग को भी जो उनको देखने का नज़रिया था वो चौतरफा नज़रिया था। दीदी एक चीज़ और बताइए, आप
प्रश्न आपका है, लेकिन संदर्भ जाहिर तौर पर कुमार जी का ही है कि उनकी जो संपूर्ण गायकी थी, उस गायकी में भजन का जो हिस्सा था वो बहुत लोकप्रिय हुआ, और वो इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया कि तमाम लोग जो है वो सोचते हैं कि भजन ही गाते थे कुमार जी। एक जी कलाकार के तौर पर जब आप अपने अपनी अपब्रिंगिंग जब आपकी हुई, या अब जब आप एक कलाकार हैं, आप उस सिर्फ भजन वाली छवि से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, करना चाहती हैं, और दूसरा क्या करने की जरूरत है क्या, मतलब इसको लेकर आप कैसे देखती हैं पूरे ताने बाने को? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया शिवेन जी। कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है, हालांकि कुमार जी जैसा मतलब देख के मैं कहूं कि कंचनजंगा शिखर हमारे सामने है और हम उसको बहुत, हमारी नजरों का दायरा बहुत छोटा है ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से हम उसको एक छोटे छोटे कैप्सूल में देखना की कोशिश देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार जी ने सृजनात्मक तौर पर क्या नहीं किया, भजन निश्चित रूप से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके उनकी सांगीतिक अभिव्यक्ति का, ये मैं मानती हूं, ये मैं मानती हूँ, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन भजन छूने के पहले, भजनों को छूने के पहले, तुलसीदास को छूने के पहले, मीरा को छूने के पहले, सूरदास को छूने के पहले, तुकाराम और नानक को छूने के पहले, है ना, कुमार जी क्या थे, ये हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। वो कब पहुंचे उस मुकाम पर, कब उन्होंने इन चीजों पर हाथ रखा, ये भी देखने वाली बात है। कुमार जी भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा के ऐसे नायक थे जिन्होंने संगीत की लगभग सारी विधाओं को जान समझ कर श्रोताओं के सामने लाने का प्रयत्न किया अपनी दृष्टि से। ठुमरी टप्पा तराना, इसको लेकर उन्होंने अपने विचार सांगीतिक रूप से व्यक्त किए, ऐसा एक उम्दा कार्यक्रम पेश किया जिसमें ठुमरी टप्पा और तराना का अंतर संबंध हमें गाकर समझाया अलग अलग, वो पूरा एक 3.5-4 घंटे का कार्यक्रम था। उसी तरह से मलाऊ मस लेले बाल गंधर्व, मतलब बाल गंधर्व जी को जैसे मैंने समझा, ये उसका हिंदी तर्जुमा हम करेंगे, तो बाल गंधर्व जी की गायकी को समझकर, गायकी को समझकर, मैं केवल नाट्य गीत गाने की बात नहीं कर रही हूँ कि भाई बाल गंधर्व जी ने ये 15 नाट्य गीत गाए तो मैं भी 15 नाट्य गीत आपको गा के सुनाता हूँ, जो कि आजकल सामान्य रूप से सब लोग करते हैं। मराठी में उमज ना एक शब्द है, मतलब समझ कर लेना, गहराई से समझना। तो गायकी को समझ कर गाना ये एक बहुत अलग बात है और केवल टेक्स्ट गाना एक अलग बात है। तो गायकी को समझकर उन्होंने गाया, क्योंकि बाल गंधर्व जी जो नाट्य गीत 5 मिनट का गाते थे वो कुमार जी आधा घंटा गाते थे, तो कैसे गाते थे बिना उनकी गायकी को समझ के, तो नहीं हो सकता ये। तो वो एक बात थी। कुमार जी के धुनगम राग, 11 धुनगम राग कुमार जी ने बनाए। धुनगम राग यानी ऐसे रागों की व्युत्पत्ति उन्होंने की जिनका मूल मालवा के लोक धुनों में कहीं ना कहीं उनको मिला। तो 11 धुनगम राग बनाए और ऐसे राग बनाए जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में अब तक उस सौंदर्य से संगीत हमारा अछूता रहा था, ऐसा उनका कहना था, इसलिए उन्होंने उस स्वरूप को हमारे सामने लाया। उसके अलावा परंपरागत रागों की लगभग 200 से ऊपर लाजवाब बंदिशें, जिनमें उन रागों का पूरा मर्म आपको पहले मुखड़े में समझ में आ जाए, ऐसी लाजवाब बंदिशें बनाई। और फिर मैं वही कहूंगी कि वो बंदिशें केवल बंदिशें बनाने के लिए नहीं बनाई, उनको जहां ऐसा लगा कि इस राग की ये जो प्रोफाइल है, राग की जो ये प्रोफाइल है, राग का जो ये दृष्टिकोण है, ये शायद अब तक की कहीं ना कहीं परंपरागत बंदिशों में कहीं ना कहीं छूटा हुआ है, जो मुझे नजर आ रहा है, मतलब कुमार जी को।
तो उस एंगल से उन्होंने उन बंदिशों की रचना की जिससे कि वो राग और समृद्ध हो जाए। बिल्कुल हमारा संगीत, उनका पूरा ख्याल इस बात पे था कि मेरा संगीत मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत, मेरा मतलब कुमार जी का संगीत नहीं, भारतीय शास्त्रीय समग्र रूप से विचार करने वाले व्यक्ति, भारतीय शास्त्रीय संगीत को मैं कितने तरह से समृद्ध कर सकता हूँ अपने विचारों से, अपने संगीत से, इसका मुझे विचार करना चाहिए। और इस दृष्टि से उन्होंने उस पर काम किया। भजन एक निश्चित रूप से एक बहुत उम्दा मुकाम, एक उम्दा उनकी बहुत स्ट्रेंथ रही है, और वो इसलिए रही कि उन्होंने भजन गाते समय उस कवि का भी विचार किया, उस कवि को समझने की चेष्टा की और फिर उसको हमारे बीच में लेकर आए। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, और मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी जब इस तरह का, जैसे आपने कहा, जिक्र होता है कि वो भजन गायक के रूप में इसलिए लोग जिक्र करते हैं शायद कि उनकी रुचि भजनों में है, वो शायद भजन को समझते हैं ऐसा उन्हें लगता है। यदि वो रागदारी समझते होते तो वो शायद इस तरह के स्टेटमेंट नहीं करते। और मुझे अब मेरे बारे में जैसे आपने कहा, मैं क्या कहूं आपको, केवल भजन गायक तो निश्चित रूप से मैं कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूं, उसमें कोई कमतर भाव नहीं है, लेकिन वो एक हमारी पूरी एक संगीत यात्रा का एक पड़ाव है, एक मुकाम है जो बहुत सुंदर मुकाम है, जो बहुत लोक लुभावन मुकाम है, ये मैं मानती हूं। लेकिन उसके अलावा, मतलब कहते हैं ना कि उसके अलावा बहुत जड़े नीचे गई हुई है, तो उनको उनको समझ के यदि कोई ले तो मुझे आनंद होगा। यदि कोई आपने अभी कुमार जी की तमाम ऐसी बातों, मतलब ऐसी गायकी का जिक्र किया जो कम लोगों को पता है, बहुत रागों को लेकर, बंदिशों को लेकर, तो उसमें से कोई चीज़ अगर आप हमें सुनाएं तो निश्चित तौर पर हमको उसका आनंद मिलेगा बहुत। जी जरूर। क्या आप बंदिश सुनना पसंद करेंगे जी जी बिल्कुल, या तराना सुनना पसंद करेंगे? इसमें तो लालच आ जाएगा, हम कहेंगे कि हम दोनों सुनना पसंद करेंगे ठीक है, आप पर मैं है। कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। तराने की बात हुई है और एक और कुछ सुनाना है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं आपको एक मेघ मल्हार में छोटी सी एक बंदिश गुनगुना देती हूँ और फिर बाद में तराना गुनगुना देती हूँ, क्योंकि आप तबला वगैरह तो कुछ है नहीं, तो ऐसे ही सुर के साथ में केवल तानपुरा बज रहा है तो उसी के साथ गा देती हूँ। ये ना आए 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 बोलन बोलन लागे, आए आए बोलन लागे, पपिया रे बोलन लागे। बहुत पुरानी बंदिश है ये, कुमार जी की नहीं है, पुरानी बंदिश है परंपरागत। बोलन लागे आ बोलन लागे, आ बोलन लागे, पपिया रे बोलन लागे, पपिया रे बोलन लागे, पपिया रे मुरला दादुरवा झिंगार बोलन लागे, आ बोलन लागे, ये बोलन सुनरी सखी, आ सुनरी सखी, जिया की बिथा पिया बिन कैसे करूं मैं सिंगार, बोलन लागे, पपिया रे बोलन लागे। अब गौड़ मल्हार का तराना। धीम तानुम तनन देरे ना आदि,
दीमतानुम आदिमतानुम तनन देरे ना दीमतानुम तनन देरे ना तारे दानी तदानी दानी तोम नोम तोम दीमतानुम तनन देरे ना आदिमतानुम तनन देरे ना दिया नरे तदिया नरे तोम दिर दिर तोम तनन नन नन नाद्रे तुंद्रे तोम नोम तोम दीमतानुम तनन देरे ना। ये कुमार जी का तराना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।